एक नया दिन और एक नया स्पेशल एडिशन टाटा मोटर्स की ओर से। इस बार ये स्पेशल एडिशन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार गाड़ियों को मिल रहा है। चारों इनकी SUVs, इसे बुला रहे हैं काजीरंगा एडिशन। और जैसा कि आप नाम सुन के समझ गए होंगे, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क, द होम टू द वन हॉर्न राइनो। अब इस स्पेशल एडिशन में कॉस्मेटिक अपडेट्स के साथ साथ इन सभी गाड़ियों में कुछ ना कुछ फीचर्स भी ऐड हुए हैं। अब इनके लिए कीमत क्या चुकानी पड़ेगी और वो क्या चेंजेस हैं, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेट्स गो। ये सभी कार्स फिनिश्ड हैं ग्रासलैंड बेज कलर में। काफ़ी सटल येट अटेंशन ग्रैबिंग कलर है। इसके साथ साथ यहाँ पर फ्रंट फेंडर पे राइनोसरस की मोटिफ मिल जाती है। और देखेंगे तो यहाँ पे ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट इन सभी कार्स को दिया गया है। फ्रंट ग्रिल में ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट है, एलॉय व्हील्स ब्लैक्ड आउट हैं, इसके साथ साथ डुअल टोन शेड है, तो रूफ ब्लैक्ड आउट है। और ये ब्लैक्ड आउट थीम इसके साथ काफ़ी अच्छा भी जाता है। और कैबिन के अंदर भी इन सभी कार्स में ड्यूअल टोन थीम्स और काजीरंगा एडिशन से जुड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। आइए इस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर टाटा पंच से शुरुआत करते हैं। जब आप पंच काजीरंगा एडिशन में एंटर करेंगे तो ये कैबिन आपको काफ़ी पसंद आएगा। रेगुलर पंच के मुकाबले ये काफ़ी प्रीमियम फील होता है। यहाँ पर ड्यूअल टोन बेज और ब्लैक का अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। यहाँ सीट्स आपको लेदर एट अपॉस्ट्री मिलती है इनमें, और यहाँ पर राइनो की मोटिफ दी गई है जो काफ़ी स्टैंड आउट करती है। यहाँ पर भी आपको ब्लैक फिनिश मिलता है। डैशबोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े अर्दी एलिमेंट है और इसके ऊपर थोड़ा वुडन फिनिश है। दोनों ही प्लास्टिक ही हैं बट हाँ, टच में अच्छे हैं। और अगर इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसमें टाटा का ट्राई एरो पैटर्न भी दिखेगा। काजीरंगा एडिशन पंच के टॉप वेरियंट पर बेस्ड है तो आपको फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं। कीमत की बात करूँ तो इसके लिए आम वेरियंट के ऊपर 20,000 तक का प्रीमियम देना पड़ता है। अब मूव ऑन करते हैं इनकी माइक्रो SUV पंच से इनकी कॉम्पैक्ट SUV नेक्सॉन के अंदर। नेक्सॉन में भी डैशबोर्ड में सिमिलर सा ट्रीटमेंट है। यहाँ पर ब्लैक फिनिश आपको डैशबोर्ड पर दिख जाता है बट यहाँ पर ये वुडन फिनिश है जो आपको हैरियर और सफारी में भी देखने को मिलता है। वहाँ पर भी आपको थोड़ा वुडन फिनिश मिलता था बट ये थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और इसका फिनिश थोड़ा ज़्यादा बेहतर भी है। इसके साथ साथ सीट्स पहले जैसी ही हैं जैसी आपको पंच में दिखाई थी मैंने। यहाँ पर भी आपको मोटिफ मिलता है यहाँ पर, लेकिन इनकी एक स्पेशल बात यह है कि इसमें आपको अब वेंटिलेशन फंक्शन मिलता है। इसके अलावा दो और एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, एक ऑटो डिमिंग IRVM और इसके साथ साथ एयर प्यूरीफायर जिसको आप यहाँ टच स्क्रीन से कंट्रोल करते हैं। और इन सभी कार्स के काजीरंगा एडिशन में आपको लंबी एक्सेसरीज की भी लिस्ट मिलती है। पहला है इसमें ये नीट अम्ब्रेला, इसको यहाँ पर होल्डर में फिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर कार में आपको सन ब्लाइंड मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पीछे की सीट पर एक बहुत क्लासी सा ऑर्गेनाइज़र मिला हुआ है और यहाँ फ्लोर मैट्स में भी आपको ये मोटिफ दिख जाएगा। ये रहे इस वेरिएंट के फीचर हाइलाइट्स। कीमत देखें तो इसमें XZ प्लस वेरिएंट के ऊपर 69,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है। नेक्सॉन से स्टेप इन करके हैरियर में आएंगे तो यहाँ पर भी सिमिलर ट्रीटमेंट देखने को मिलती है। ये डैशबोर्ड में आपको ट्रॉपिकल वुडन इनले दिखता है, थोड़ा और बड़ा यूज़ किया गया है यहाँ पर इन कंपैरिजन टू द नेक्सॉन। यहाँ पर सीट्स भी सिमिलर हैं बट यहाँ पर इनमें भी वेंटिलेटेड फंक्शन मिलता है। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलता है, एयर प्योरीफायर मिलता है और कनेक्टेड टेक्नोलॉजीज भी मिलती हैं आपको हैरियर काजीरंगा एडिशन में। अब ये टच स्क्रीन, इसके साथ आपको वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टेड टेक वगैरह मिल जाता है और ये बढ़िया साउंडिंग JBL के स्पीकर्स भी मिलते हैं। बट यूजेज वाइज ये थोड़ी स्लो है। टाटा मोटर्स ये अपॉर्चुनिटी ले सकते थे इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें थोड़े बहुत अपडेट्स लाते तो ये थोड़ा और यूज़र फ्रेंडली बन सकती थी। चलिए इसकी फीचर्स लिस्ट पर नज़र डालते हैं। इन कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट्स के लिए हैरियर के टॉप वेरिएंट के ऊपर 67,000 रुपीज एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे। अब हम आ गए हैं टाटा सफारी काजीरंगा एडिशन में, इनकी फ्लैगशिप SUV में। यहाँ पर आपको कोई फीचर्स अपग्रेड नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ कॉस्मेटिक अपडेट्स मिल रहे हैं। वही सेम सीट्स, वही सेम डैशबोर्ड लेआउट एज द हैरियर, लेकिन इसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हैरियर में मिसिंग थे। जैसे यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स आपको फ्रंट ही नहीं, रियर कैप्टन सीट्स में भी मिलती हैं। इसके साथ साथ ये बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, यहाँ पर वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो मिलता है। और मैं
होप कर रहा था कि मैं आपको ये खुशखबरी दे पाता कि इसके साथ फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन ऐड कर दिया है टाटा मोटर्स ने, बट ऐसा नहीं हुआ है। ऑल्दो इसके ऊपर बात चल रही है, मे बी इन द फ्यूचर, बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट यू गेट इन द टाटा सफारी काजीरंगा एडिशन। चलिए एक बार इसकी फीचर्स लिस्ट और फिर प्राइसेस चेक करते हैं। इस कॉस्मेटिक अपडेट के लिए आपको 21,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये था टाटा मोटर्स का काजीरंगा एडिशन ऑफ पंच, नेक्सॉन, हैरियर एंड सफारी। क्या इनके लिए चार्ज किया गया प्रीमियम आपकी बुक्स में जस्टिफाइड है? कमेंट्स में बताइए हमें। एक और बात कमेंट्स में बताइए हमें, क्या टाटा मोटर्स को सफारी और हैरियर के टच स्क्रीन को इस अपडेट के साथ चेंज करना चाहिए था या फिर ऑल व्हील ड्राइव इंट्रोड्यूस करना चाहिए था? आइए ये सब कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब कीजिए व्हाट कार इंडिया के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।